मेरा नाम प्रीति दिस्ट है, मैं दौराट विधानसभा की रहने वाली हूँ। हमारे विधानसभा के विधायक महेश नेगी पिछले 2 साल से मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहे हैं और अब मैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है उनकी वाइफ ने कि मैं उनसे 5 करोड़ रुपये मांग रही हूँ। मेरे पास उनकी बेटी है, मेरे को उनकी बेटी हो रखी है जिससे मैं अपनी बेटी के खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। उनने लगभग 2 साल से मेरे से शारीरिक शोषण कर रखा है जिसके खिलाफ मैं अब आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। तो मुझे डर है अपनी जान का भी, मुझे अपनी जान का, अपनी बेटी की जान का, दोनों की जान की परवाह है और मैं उनके खिलाफ़ कोर्ट में मुकदमा लड़ना चाहती हूँ। अपनी बेटी का DNA टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का DNA अगर उनसे मैच होता है तो मैं अपनी बेटी को वो सारे हक दिलाना चाहती हूँ जो एक बेटी को मिलने चाहिए। उनकी बीवी कह रही है कि मैंने उनके उनसे 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है और आज सुबह मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं। देहरादून में रह रही हूँ मैं अभी, मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं और मुझे कोविड का बहाना देके वो जबरदस्ती मुझे यहाँ से चौकी नेहरू कॉलोनी ले गए। नेहरू कॉलोनी ले जाने के बाद उन्होंने ना तो मेरे बयान अच्छे से दर्ज किए और ना ही उन्होंने मेरे को मीडिया से मिलने दिया। मतलब मेरे पे प्रेशर बनाया, मुझे थाने में बुला के मेरे पे प्रेशर बनाया उन्होंने कि अब तुम किस तरह से निपटना चाहती हो। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं महेश नेगी से अपना DNA टेस्ट कराना चाहती हूँ और DNA मैं कोर्ट के थ्रू टेस्ट कराना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बच्चे का DNA टेस्ट हो चुका है, मेरे बच्चे का DNA मेरे हस्बैंड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं महेश नेगी के साथ मेरे बच्चे का DNA टेस्ट कराना चाहती हूँ। और उन्होंने झूठा मुकदमा मेरे पे लगाया है, झूठा आरोप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैं उनसे 5 करोड़ रुपये मांग रही हूँ। बस मैं इसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ और मुझे उनसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये है कि मेरे बच्चे को, उनका बच्चा है, मेरे को मेरे बच्चे को नाम मिलना चाहिए। वो लड़की है, उसके फ्यूचर के लिए एक बाप का नाम बहुत ज़रूरी है और मेरे बच्चे को नाम मिलना चाहिए उनका।